हेलो नमस्कार दोस्तों, पूजा म्यूजिक रिकॉर्डिंग में आप लोग का स्वागत है। चलिए आप लोग को बताएंगे कि विस फाइव में फुल मिक्सिंग के बारे में एक और ट्यूटोरियल आप लोग को हेल्प के लिए बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपने की विस फाइव के ऊपर चल। देखिए, हमने एक पहले से एक प्रोजेक्ट खोल के रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा कुछ होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग फुल वीडियो को वाच ज़रूर करें, क्योंकि जब तक वाच नहीं करेंगे जब तक आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मिक्सिंग करते हैं। तो देखिए, तो देखिए आप लोग को सारा इफेक्ट आप लोग को दिखा देते हैं। तो इसमें देखिए एक ऑटो ट्यून लगा हुआ है और एक L3 अल्ट्रा मिक्समाइजर है जो वोकल को क्लियरिटी लाता है और वोकल को कुछ उठाने में मदद करता है। तो एक कंप्रेसर है, L3 अल्ट्रा मिक्समाइजर भी कंप्रेसर में ही आता है, डायनेमिक में ही आता है। और एक हमने कंप्रेसर लगाया है जो क्यूबेस 5 निंडो के साथ में जो आता है। तो आप लोग इसका सेटिंग देख सकते हैं, थ्रेशोल्ड को -26.8 रखे हैं और रेशियो को 1.53 रखे हैं और मेकअप को 5.4 रखे हैं और अटैक को 20.1 रखे हैं और होल्ड को 0 रखे हैं और रिलीज को ऑटो पर रखे हैं और एनालिसिस इसको बोला जाता है जो इसको 80 रखे हैं। तो चलिए इसके बारे में भी आप लोग और सुनकर अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। और एक नॉइज एक लगाए हैं जो नॉइज को रिमूव करता है। देखिए इसमें रेडिएशन को 20 रखे हैं और थ्रेश को 2.2 रखे हैं। तो इसको 2.0 भी रख सकते हैं और अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में निंडो EQ लगाए हैं और इसका सेटअप किए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। तीन इक्वलाइजर को खोले हैं और 1, 3 और 4 को खोले हैं और इसका एडजस्ट किए हैं वोकल सुनने के अनुसार। तो चलिए आप लोग को ट्रैक बंद करके आप लोग को सुनाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। और आप लोग को दिखा देते हैं और क्या लगाए हैं। एक VST डायनेमिक लगाए हैं जो VST डायनेमिक में ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ऑटो गेट है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर भी इसमें यूज कर सकते हैं, ऑटो लेवल भी यूज कर सकते हैं और ये सब का सेटिंग अलग अलग किया जाता है। तो हमने कंप्रेसर और ये सब पहले से लगाया हुआ है तो ज़्यादा कंप्रेसर देना भी वोकल के लिए ठीक नहीं होता है, वोकल को चनचना देता है। इसमें हम सिर्फ सॉफ्ट क्लिप यूज किए हैं, इसका
इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि आवाज़ को सॉफ्ट बना देता है, आवाज़ में क्लियरिटी ला देता है। फिर उसके बाद में एक मोड डिले यूज किए हैं, जो मोड डिले आप लोग को वीडियो बनाए हैं उसमें बताए ही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ यूज नहीं किए हैं। फीडबैक को आप लोग 35 रखिएगा और डिले मोड को आप लोग 60 या 65 रखिएगा। तो चलिए हम इसको 60 रखते हैं और मिक्स को 10 रखे हैं और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद में एक पियंग चाइल्ड 660 मोनो आता है जो ये वोकल को वंफ करने नहीं देता है। ये भी कम प्रेशर में ही आता है, डायनेमिक में ही आता है, वेव का प्लगइन है, ये बहुत अच्छा प्लगइन है। आज ये प्लगइन के बारे में आप लोग को क्लियर में बताएंगे। तो देखिए इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें आप आइएगा प्यूंग चाइल्ड डिफ़ॉल्ट, आप लोग को डिफ़ॉल्ट कर लेना है और डिफ़ॉल्ट करने के बाद में इसको 12 रखना है और इसको देख लेना है 2.2 है तो इसको 2.0 कर लेना है 2.0 और ये इसको टाइम कांस्टेंट को 2 पर कर देना है और ये जो आउटपुट गेन है इसको थोड़ा सा और कम कर लेना है क्योंकि आवाज़ हमारा तो -3.0 dB पर कर लेना है। बस इसको काट देना है और इसमें ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर उसके बाद में इक्वलाइजर किए हैं, इक्वलाइजर ग्राफ आप लोग देख सकते हैं जो QS 5 में ही इक्वलाइजर ग्राफ रहता है। तो इसमें हम चारों इक्वलाइजर को खोल ले हैं और वोकल के हिसाब से एडजस्ट किए हैं, आप लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं। इधर थोड़ा सा इसको कम रखते हैं और आप लोग को डिले लगाना सिखाते हैं। देखिए सबको हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। चलिए एफएक्स में हमने सब को रिमूव कर दिया है, अब हम एफएक्स आप लोग को लगाना बता रहे हैं। तो यहाँ से जाइएगा और राइट क्लिक दबाकर एड एफएक्स चैनल ट्रैक, इस पर आप लोग को आ जाना है और यहाँ आप ध्यान रखिएगा स्टेरियो आप लोग रखिएगा और स्पीकर को एल आर का मतलब होता है लेफ्ट राइट, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, मोनो नहीं रहना चाहिए, स्टेरियो रहना चाहिए। और अब यहाँ से इफ़ेक्ट लीजिए, इस एरो पर क्लिक करके इफ़ेक्ट लीजिए। तो सबसे पहले हम डिले लेंगे, तो डिले चलिए आज पिंग पोंग डिले के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो चलिए हम पिंग पोंग डिले ले लेते हैं। इसके बाद में आप लोग को कोई प्रीसेट नहीं लेना है, चलिए आज हम अपना लिया हुआ प्रीसेट ही आप लोग को सेट करके बता देते हैं। तो चलिए अपना प्रीसेट खोल लिए, जो आप लोग देख सकते हैं डिले का ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ से आप लोग कट कर दीजिए और उसके बाद में आप लोग जो वोकल है उसमें लगाइए। और यहाँ एक स्टेरियो आउट आप लोग को लेना है, अगर आप लोग को नहीं लेने आता है तो यहाँ से जाइएगा आउटपुट में और स्टेरियो आउट ले लीजिएगा और इसको अपने हिसाब से वोकल सुनने के अनुसार आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए हमने लिए हुए हैं एक स्टेरियो आउट, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे और इसके बाद आप लोग को वोकल सुना कर दिखाते हैं। अरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए इसमें मेरा मैनुअल यानी इंसर्ट में सिर्फ मेरा एक मोड डिले लगाया हुआ है, तो सिर्फ एक मोड डिले से काम नहीं चलेगा,
जो अभी हम पिंग पोंग जो लगाए हैं, पिंग पोंग को यहाँ आप लोग लीजिए और इसको आप लोग सुनिए। इसके लगाने के बाद आप लोग सुनिए क्या फीलिंग आता है। अरे राम 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 हरे हरे हरे। आप लोग को फीलिंग बुझाया होगा कि पहले क्या था, नहीं तो इसके बाद भी हम आप लोग को बंद करके बता देते हैं कि क्या है। सुनिए। अरे राम 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 हरे हरे। अब इसको चालू करते हैं। अरे राम 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 हरे। अगर आप लोग को लगता है कि डिले हमारा ज़्यादा गूंज रहा है तो मिक्स को आप लोग कम कर सकते हैं थोड़ा सा, 28 कर सकते हैं और सुन के देख सकते हैं। राम 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 हरे हरे। आप लोग को जो सेटिंग हम बता रहे हैं एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, कोई यूट्यूबर कोई स्टूडियो वाला अपना सेटिंग नहीं बताता है, जो आप लोग को हेल्प के लिए कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो ना। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे यूट्यूब वाले बहुत सारे वीडियो हम देखे हैं, टोटल वीडियो बताते हैं लेकिन जो डिले का जो इम्पोर्टेंट सेटिंग जो होता है, जो परफेक्ट डिले मारे, वो नहीं हो पाता है, वो नहीं बता पाते हैं। टाइटल में लिख देंगे हेडिंग में लेकिन उसका वीडियो देखिए तो कुछ बता ही नहीं पाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ बना रहे हैं कि जो हमारे साथ दिक्कत हुआ है वो आप लोग के साथ दिक्कत ना हो और परफेक्ट आप लोग मिक्सिंग करें। तो चलिए इसके बाद में और इफेक्ट लगाकर आप लोग को बताते हैं। तो इफेक्ट्स में ही लगाकर बताते हैं। अब मान लिया आपको लगे कि वोकल मेरा दबा हुआ है, जो कंप्रेसर उधर लगाए हैं पिंग चाइल्ड, तो कुछ वोकल को दबाता है। आप लोग लगा कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा वो कुछ वोकल को दबाता है, लेकिन वो वोकल को दबाता है लेकिन सॉफ्ट करने के लिए दबाता है, तो उससे सॉफ्ट वोकल वोकल को फरफराने नहीं देता है और वोकल को एक लेवल में वो लेकर चलता है। ये पिंक चाइल्ड 660 मोनो। ये आप लोग को नया प्लगइन के बारे में, सेटिंग के बारे में आप लोग को बताएं। तो चलिए आप लोग को वोकल अगर दबा दबा जैसा लगे तो एक और आप लोग एफएक्स में ले लीजिए। एफएक्स में जाइए, स्टेरियो ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ से आप लोग आइए, एक क्या लें, हाँ एक इफेक्ट में आइए। इफेक्ट में आने के बाद में आप लोग देखिए ई क्राइमर एफएक्स स्टेरियो, तो इसको आप लोग ले लीजिए और इसको लेने के बाद में इसका कुछ सेटिंग कर लीजिए। और ज़्यादा इसमें आप लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई प्रीसेट नहीं लेना है और सुन के देखना है। सॉरी, सबसे पहले एफएक्स जो लिए हैं वो अपना वोकल में ले लेते हैं यहाँ से। क्राइमर -4.72 हमने रखा है और ये पिंग पोंग डिले को भी -4.72 ही रखते हैं। उसके बाद में सुनते हैं क्या वोकल में। अरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम। तो देखिए आप लोग को वोकल पता चल रहा होगा क्या वोकल में फीलिंग आ रहा है। फिर से सुन के आप लोग को सुना कर दिखा देते हैं। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो ये हमारे सिंगर एक अष्टजाम गाए हैं जो बहुत अच्छे से गाए हैं, उसी को हम मिक्स करके आप लोग को दिखा रहे हैं और आप लोग को प्लगइन लगाने के लिए बता रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा लगे कि नहीं हमारा ज़्यादा डिले है तो इसको यहाँ से
माउस का जो रोल होता है वो रोल को घुमाइएगा तो देखिए घटेगा बढ़ेगा। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा कम रखना है, माइनस 20 रखना है, और इसको भी थोड़ा सा माइनस 20 रखना है, उसके बाद सुनकर देखना है। हरे राम हरे राम 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 हरे, तो परफेक्ट बज रहा है। उसके बाद में आप लोग को एक और महत्वपूर्ण सेटिंग आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो ये भी आप लोग को किसी ने नहीं बताया होगा। हर चीज़ का इक्वलाइजिंग होता है, पिंग पोंग डिले हो, एफएक्स में आप लोग जो लगाते हैं उसका इक्वलाइजिंग करते हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपना सीक्रेट चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, जो ये सब कोई नहीं बताएगा या कोई बताया है भी नहीं। बहुत बड़े यूट्यूबर को हमने देखा है, बहुत स्टूडियो वाले को देखा है, तो इसका भी इक्वलाइजर होता है। चलिए आप लोग को इक्वलाइजर करके दिखाते हैं। तो आप पिंग पोंग डिले के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ जाइएगा, यहाँ देखिए इफेक्ट, इफेक्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करिएगा तो आप इसके इंसर्ट पर चले जाइएगा। तो पिंग पोंग हमारा जो सेट है वो सेट है। अब इसका हम इसमें इक्वलाइजिंग करेंगे, ये जो ग्राफ है ना इक्वलाइजर का, इसमें हम ग्राफिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ से आप लोग ऐसे करिए, यहाँ से भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। सुन के देखते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे, तो इस इक्वलाइजिंग से आप लोग को पता चला होगा। आप लोग को बंद करके दिखाते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, अब इसको इक्वलाइजर खोल कर दिखाते हैं आप लोग को। एकदम पीछे से डिले चलेगा, लेकिन इतना सॉफ्ट इतना पतला में चलेगा कि वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको आप लोग को ऑन करके दिखाते हैं, आप लोग को क्लियरिटी पता चलेगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, देखिए वोकल को पतला एकदम सॉफ्ट बना दिया। तो इसी तरह से आप लोग इसका वोकल सुनने के अनुसार इक्वलाइजिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक सेटिंग आप लोग को और बता देते हैं। इस वीडियो में आप लोग को मिक्सिंग का प्लगइन का हर सेटिंग आप लोग को बता दिए हैं और बता रहे हैं और बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा मिक्सिंग कर सकें। तो चलिए यहाँ से आप लोग दबाइएगा, ये पैनल जो पिंग पोंग डिले का जो हमने ग्राफ खोला हुआ है, तो इधर भी देखिए सेंड, सेंड में आप लोग लेफ्ट और एक राइट लगा दीजिएगा। इसको लगाने से क्या होगा कि जो डिले का लेफ्ट राइट जो गूंजता है ना, वो दोनों तरफ बराबर गूंजेगा और बराबर मारेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं वोकल सुनने के अनुसार, 15-15.47 रखते हैं और राइट को भी इतना ही रखना है। जब लेफ्ट राइट दोनों को बराबर रखना है, थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम नहीं रखना है। तो इसको भी हम बराबर कर लेते हैं, अगर इससे नहीं होता है तो यहाँ से टाइप कर लीजिए 15.47। तो हमने कर लिया, अब आप लोग वोकल सुनकर बताइए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे।
तो देखिए आप लोग को फीलिंग पता चला होगा, इसको आप लोग को बंद करके दिखाते हैं। हरे रामा हरे रामा रामा थोड़ा सा कम गूंज रहा है, और इसको चालू कर देंगे तो देखिए और ज्यादा गूंजेगा लेफ्ट राइट। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा। तो चलिए और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ से आप लोग को कट कर देना है। और एक हमने और लिया था इफेक्ट्स में, ई क्राइमर स्टेरियो जो लिया था, इसका भी इफेक्ट पैनल को खोलेंगे। और इसको खोलने के बाद में आप लोग को ग्राफ करके देख लेना है, अगर ग्राफ करने के बाद में अच्छा लगता है तो करिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिएगा और इसमें कोई सेटिंग नहीं करिएगा। तो चलिए थोड़ा सा ई क्राइमर इफेक्ट्स स्टूडियो को सेटिंग नहीं किए थे, इसका भी थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। देखिए ए जेड स्लाप है और एच स्लाप है, तो ये वोकल आप लोग सुनने के अनुसार इस पर करिएगा। तो अभी मेरा जेड पर है, ये जेड वाला है ना, ये जेड वाला ए ऑन है, और यहाँ इसको क्लिक कर दीजिएगा तो ए ऑन हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो जेड स्लाप पर ही आप लोग सुन के देखिए, एच स्लाप पर अब हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा। तो जेड स्लाप पर ही रहने दीजिएगा, बाकी आप लोग वोकल सुनने के अनुसार में आप लोग देखिएगा। फिर इसके बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आउटपुट को भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ज़्यादा आवाज़ को बढ़ाइएगा तो आवाज़ फरफराने लगेगा, और सेंसिटिविटी को भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 50 पे है तो 50 पे ही रहने दीजिएगा। ए मीटर इन ए आउट, ये मीटर आउट ही रहने दीजिएगा, और ये आउट डायरेक्ट। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा। तो ये आउट पर रखिएगा, ये डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट को आउट पर ही रखिएगा, क्योंकि वोकल को आउट करना है, हमको मिक्स कर रहे हैं। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ डिले है, इसमें भी डिले है, तो ये डिले आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो डिले हमारा परफेक्ट चल रहा है, तो इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर डिले मिक्स है, ये डिले मिक्स 58 है, तो इसको भी आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं। फिर ये साइज है, ये साइज का मतलब होता है कि ये जो इफेक्ट जो काम कर रहा है, मतलब इतना ही साइज में काम करेगा। जो स्पेक्ट्रल होता है ना डिले में, पिंग पोंग डिले में, मोड मशीन में, ऐसे करके होता है ना, उसको जितना वॉल्यूम को रखिएगा उतना ही काम करता है। तो वही चीज़ें भी है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, 40 पर रखते हैं। फिर ब्राइटनेस को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वर्ब मिक्स को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी सब इसको छोड़ देना है। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा। देखिए हरा बल्ब जल रहा है, ग्रीन बल्ब जल रहा है, तो ये ग्रीन बल्ब जल रहा है तो समझिए कि हमारा वोकल परफेक्ट है, और कोई भी चीज़ पर बजाने के बाद ये वोकल फटेगा नहीं, और इसको बांध के रखेगा। तो चलिए इसका यही सेटिंग था, यहाँ से हम कट करते हैं। फिर इसका भी इक्वलाइजिंग करके देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा लगता है या नहीं। अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, और इसको करने के बाद में सुन के देखते हैं क्या। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा। तो इससे हमको कोई फायदा नहीं बुझा रहा है, और वोकल को खराब ही कर देगा। तो चलिए अब अपने गाने की ओर चलते हैं। तो इसमें लगा दिए हैं, और इसमें अभी बाकी है, तो इसमें भी पिंग पोंग डिले
और ई क्राइमर एक्स स्टीरियो माइनस 4.72, चार मोनो में हमने मिक्स कर रहे हैं। फिर इसके बाद थ्री में आएंगे, फिर इसके बाद माइनस 4.72, फिर इसके बाद ही क्राइमर को भी उतना ही रखेंगे। उसके बाद फोर में भी ले लेना है माइनस 4.72, ई क्राइमर माइनस 4.72 ये भी है, और इस सब को इक्वलाइजिंग करके थोड़ा सा मिला लीजिएगा, क्योंकि वोकल सब एक लेवल में ही रहना चाहिए, चार लेयर में लेने से नहीं हो जाता है, उसको लेवल को एक लेवल में रखना पड़ता है। और यहाँ से आप लोग ट्रैक और वोकल को एक लेवल में चले, उसको भी हमने मिलाया है, 5.34 है, तो सबका एक ही वॉल्यूम रहेगा। तो चलिए ट्रैक के साथ में सुन के देखते हैं। देखिए ये हमारा नीचे वाला वोकल में कुछ गूंज रहा है, ये जिसमें कुछ हमने सेटिंग मेरा कुछ नहीं हो पाया है। तो देखिए यहाँ फीडबैक मोड डिले में जो पहले से था वही छोड़ा हुआ है, इसीलिए गूंज रहा है ज़्यादा। इसको 60 करेंगे, इसमें भी कर लेंगे 3.5 और 60 कट करेंगे। फिर 4 में आएंगे मोड डिले, ज़्यादा फीडबैक भी देना ठीक नहीं होता है, क्योंकि वोकल मिक्स में इम्पोर्टेंट डिले का ही होता है। और आप लोग इतना बताने के बाद में वोकल को मिक्स करिए, उसके बाद हमको कमेंट में बताइए कि क्या आपने सही बताया या गलत बताया। तो चलिए सुनते हैं, अब एक लेवल में आवाज़ चलेगा। अब इसमें और कुछ गबड़ाया हुआ है, तो देखिए ये जो कंप्रेसर है ना, एक कंप्रेसर इसमें हमने सेट नहीं किया है, तो इसको 2.0 रखेंगे। देखिए दो उपाय होता है, चाहे तो आप लोग हर मोनो में सेट करिए, और नहीं तो यहाँ क्लिक करिए, देखिए ये है ना इंसर्ट के आगे, देखिए यहाँ आप क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ सेव प्रीसेट आता है, तो यहाँ सेव प्रीसेट मारिएगा और नाम लिख दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा तो सेव हो जाता है। फिर यही सेव प्रीसेट को चलिए भी आप लोगों को करके बता ही देते हैं। तो चलिए हम कोई नाम दे देते हैं, हरे रामा दे देते हैं, हरे रामा हमने नाम दे दिया, इसको इंटर मार दीजिए। देखिए ये हमारा सेट हो चुका है, और सेट करने के बाद में यहाँ से आइए और इस एरो पर क्लिक करें, देखिए हरे रामा से फोल्डर बन के आ चुका है, इसको क्लिक कर दीजिए, उसमें सेट हो गया। फिर इसमें भी आइए हरे रामा, चलिए सेट हो गया, अब हमारा वोकल एक लेवल में आ चुका होगा। तो देखिए वोकल को कितना सॉफ्ट बना दिया, इसमें सेट किए थे और ये सब में करना बाकी था, तो सब में एक ही प्लगइन लगाया और एक ही सेटिंग लगाया, क्योंकि एक ही वोकल है तो एक ही
प्लगइन भी लगना चाहिए। एक पॉइंट से एक पॉइंट भी इधर उधर रहेगा या छेड़छाड़ करिएगा तो वोकल में अंतर पड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये सब बातों पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आप लोग को कटिंग लगाने के लिए बता देते हैं। तो कहाँ कहाँ मेरा कटिंग लगेगा, तो सबसे पहले आते हैं। तो देखिए इसको आप लोग डुप्लीकेट कर लीजिएगा, इसको आप लोग डुप्लीकेट कर लीजिएगा। और डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पर क्या लगेगा आप लोग सुन कर लगाइएगा। तो देखते हैं लगाकर क्या लगता है। तो देखिए बीट पर नहीं है, इसको बीट पर बैठाएंगे। और नज़दीक जाएगा तो देखिए ये मैच कर गया है। थोड़ा सा और इधर उधर करके आप लोग मैच कर लीजिएगा। और इसको लगाने के बाद यहाँ देखिएगा ये जो है ना, ये स्नैप स्नैप ऑन ऑफ। तो जे दबाइएगा तो स्नैप ऑन होगा और फिर जे दबाइएगा तो स्नैप ऑफ होगा। देखिए हम कीबोर्ड से दबा रहे हैं, देखिए ऑन हो गया, फिर जे को दबाएंगे। तो इसका बताने का रीज़न ये है कि जे ये स्नैप को ऑन नहीं रहना चाहिए। अगर ऑन रहेगा तो बीट बाय बीट आप लोग इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं। आप लोग को देखिए वो देख करके बता देते हैं, सीधे लाइनिंग पर जाके गिरेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब लाइनिंग पर ही सेट कर जाता है, इसलिए जे को ऑफ करके ही इसको सेट करें। तो चलिए ऑफ कर देते हैं, उसके बाद सेट करते हैं। देखिए जहाँ से म्यूजिक शुरू हो रहा है वहाँ से हमारा लगेगा। देखिए ये मैच कर गया फिर। हाँ, और इसमें आप लोग को सेटिंग बता देते हैं। ये जो इक्वलाइजर है ना, एक लेवल में आवाज़ नहीं रहता है। कटिंग जो वोकल इफेक्ट जो लगाते हैं, वाह वाह भी लगाते हैं, प्रेशर भी लगाते हैं, ऑटो पेन भी लगाते हैं, जो सब मॉड्यूलेशन में आता है सब VST मॉड्यूलेशन में से ही लगता है। तो चलिए हम कोई VST नहीं लगाएंगे, हम आप लोग को ऐसे ही करके दिखा देते हैं। तो देखिए हमने बना के रखा हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं। देखिए और नहीं तो आप लोग ऐसे ग्राफ को सेट कर लीजिएगा इक्वलाइजर पैनल को। तो अब सुन के देखिए आवाज़ में फर्क पड़ गया होगा। बेस जो है बेस कट जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है, और ज़्यादा कम रखना कम रखेंगे। देखिए सॉफ्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे आपका कटिंग दिखा देते हैं करके।
और कहाँ मेरा लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा हमको ऑटो ट्यून दूसरा सेट करना पड़ेगा, तो चलिए कर लेते हैं। तो ट्रैक को थोड़ा सा बंद करके सुनते हैं। इसमें ऑटो ट्यून चेंज करने का ये रीज़न है कि ये दूसरा स्केल में इसको लिए हैं और दूसरा स्केल में गवाए हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग स्केल में मिक्स करना पड़ेगा। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑटो ट्यून में हमने बी माइनर, तो ये बी माइनर स्केल में वो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बी माइनर स्केल में अच्छा नहीं लगेगा, हम जान रहे हैं, क्योंकि उससे एक स्केल नीचा है और वो हाई स्केल है। तो चलिए इसको सुनकर देखते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए परफेक्ट नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो देखिए ये हमारा ऑटो ट्यून कहीं नहीं पकड़ रहा है, परफेक्ट चल रहा है। तो चलिए इसका कटिंग लगाकर आप लोग को दिखाते हैं। ट्रैक को चालू कर लीजिए तो पता चलेगा कि कहाँ से कटिंग लगेगा। चलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे लगेगा, इसका भी डुप्लीकेट आप लोग कर लीजिए। और डुप्लीकेट करने के बाद में इसको भी आप लोग इक्वलाइजर को खोल लीजिए और इसको थोड़ा सा इक्वलाइजिंग कर लीजिए कि कटिंग लगाने में अच्छा। दो पैनल खुला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसका सेटिंग करते हैं। कृष्णा कृष्णा कहाँ से है, इसको और नज़दीक करेंगे, म्यूजिक पर से ही लेंगे और नज़दीक जाएगा। थोड़ा सा और चलिए अभी परफेक्ट बैठ गया। तो और इसमें हमारा कहीं कटिंग नहीं लगेगा। उसके बाद में आप लोग को ये जो बाकी जो है जो डुप्लीकेट लिए हैं बाकी सबको आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। म्यूजिक पर भी लगेगा तो म्यूजिक पर भी लगेगा। देखते हैं हरे रामा हरे कृष्णा को लगाकर आता है या नहीं। तो देखिए हमको यहाँ से काटना है हरे कृष्णा, इसको लगा कर देखते हैं, इसको म्यूट करते हैं, उसके बाद उसको। देखिए यहाँ जाएगा जहाँ से बीट हमारा गिरा है। हरे
अगर ये कम कटा है तो इसको और बढ़ा लेंगे तो ये फूल आ जाएगा, और इसको डिलीट कर देंगे। बीट पर नहीं है, थोड़ा सा और इसको बैठाएंगे। इधर बैठा कर देखते हैं। इसको ये बीट पर ला कर देखते हैं। थोड़ा सा और इधर जाएगा। देखिए जब ये बैठ जाता है तो अपने आप सुनने में अच्छा लगता है। बाकी आप लोग वोकल कटिंग में आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। तो आइए दोस्तों, अब वोकल कटिंग को फुल लगाते हैं। चलिए लगा कर देखते हैं, और पहले से लगाए हैं, सेट किए हैं, जो आप लोग को दिखाते हैं। वीडियो को स्किप करना पड़ा क्योंकि वोकल कटिंग को बैठाने का अपना अपना तरीका होता है, और वोकल कटिंग बीट पर बैठाने में टाइम भी लगता है, तो इसलिए वीडियो को स्किप करना पड़ा। तो देखिए बीट पर बैठाए हैं, और आप लोग सुनकर बताइएगा कैसा है। तो देखिए हमारा ये परफेक्ट बीट पर बैठा हुआ है। आप लोग भी वोकल और म्यूजिक के अनुसार आप लोग भी कटिंग लगाइएगा, कोशिश करिएगा। जब ये बैठ जाता है तो ऑटोमेटिक ये अच्छा लगने लगता है सुनने के बाद, आप लोग सुन सकते हैं। और इसको थोड़ा सा इधर उधर भी हटा देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए आप लोग को हटा कर दिखा देते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलिए जिस जगह पर था उसी जगह पर बैठा देते हैं। कंट्रोल जेड मारिएगा, अब देखिए इसको दो लेयर में डिवाइड किए हैं, और ये सबको काटने का तरीका भी बता देते हैं आप लोग को। जैसे देखिए एक को हमने लेफ्ट बनाया है और एक को राइट बनाया है, तो मान लिया इसको हमको काटना है, तो ये दोनों को, ये दो लेयर में है तो इससे मतलब नहीं है, ये दोनों को यहाँ से लेफ्ट माउस का बटन लेफ्ट को दबाना है, और यहाँ से ऐसे ऑल सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जितना आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से करना है। मान लिया पूरा करना है तो पूरा करिए, तो इतना को आपको करके दिखा देते हैं। अब जैसे देखिए
हमको यहाँ काटना है, यहाँ काटना है। जैसे देखिए इसका, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे में देखिए हमको यहाँ काटना है, हमको ऐसा काटना है कि ये दोनों बराबर कटे, एक ठोप आवाज़ इधर उधर नहीं कटे। तो इसके लिए आप लोग अल्ट दबाइएगा और माउस का लेफ़्ट कर्सर इस यहाँ से यहाँ आपको जहाँ इच्छा हो वहाँ काट दीजिएगा, जहाँ आपका मन हो काट दीजिएगा। अब हम इसको कहीं से भी डिलीट करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ़्ट एक राइट, एक राइट एक लेफ़्ट को डिलीट करेंगे तो कोई आवाज़ में कटा हुआ नहीं पता चलेगा, बस लेफ़्ट राइट बजेगा। तो आप लोग देखिएगा, सुन सकते हैं। तो यहाँ देखिए ए वाला जो है ना, से ए मेरा लेफ़्ट है, तो यहाँ लेफ़्ट पर ऊपर है, छोड़े हुए हैं। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और इसको रहने देते हैं, फिर इसको डिलीट करेंगे, फिर इसको रहने देंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे। तो अब सुनकर देखिए, तो आप लोग सुनने के अनुसार काट सकते हैं, ये भी आप लोग को तरीका बता दिए। फिर इसके बाद में म्यूजिक पर कटिंग लगाए हैं, देखिए सब बीट पर काट के बैठाया हुआ है। और इसके बाद में आप लोग को इसमें कोई प्लगइन नहीं लगाना है, कोई VST नहीं लगाना है, सिर्फ एक ग्राफ को आप लोग को वन और टू को खोल लेना है, और ये जो हम जैसे किए हैं उसी तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा, तो ऐसा वोकल आपका बन जाएगा। इससे क्या होता है कि वोकल का बेस जो है से कट जाता है, वोकल पतला हो जाता है। और एक तरीका और है जो ऐसे हम वाह वाह भी लगाकर आप लोग को ऐसा वोकल बना सकते हैं, एक फ्लेंगर भी है उससे भी बना सकते हैं, पेसर भी यूज कर सकते हैं, ऑटो पेन भी यूज कर सकते हैं, डबलर भी यूज कर सकते हैं। मतलब मॉडुलेशन में जितना VST प्लगइन होता है सब वोकल कटिंग में ही ज़्यादा लगता है। तो और आगे आप लोग को कटिंग सुना देते हैं। कॉपीराइट आने की वजह से पूरा सॉन्ग नहीं आप लोग को सुना सकते हैं। इस सॉन्ग को सुनना है तो इसी चैनल पर रिलीज होगा। आप लोग सुन सकते हैं। एक तरीका यार आपको बता देते हैं, जैसे मान लिया यहाँ से हमको ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हमको म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है, देखिए जब यहाँ से हमको म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो इस म्यूजिक पर ये हमने कटिंग सेट कर लिया है, तो यहाँ पर भी यही म्यूजिक फिर काट के जोड़े हैं, तो सेम यही म्यूजिक है। तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अल्ट दबाएंगे और यहाँ ला करके बैठा देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको ऐसे 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 करके बैठा लेंगे, तो उसी तरह से हमने बैठाया है। जब एक मेरा यहाँ सेट हो चुका है तो इसको फिर इसी म्यूजिक पर लाकर बैठा दिए हैं, तो ऐसे है कि टाइम का बचत हो जाता है और कम समय में काम निकल जाता है। तो
अभी इस वीडियो में हम ग्राफ के माध्यम से आप लोग को वोकल कटिंग करके दिखाएं और वोकल को पतला करके दिखाएं। अगले वीडियो में किसी वीडियो में वाह वाह का यूज करके दिखाएंगे, फ्लेंगर का यूज करके दिखाएंगे, डबलर का यूज करके दिखाएंगे। बारी बारी से वीडियो देने का कोशिश करेंगे। और ऐसे भी जो VST आप लोग को बताए हैं सब परफेक्ट VST है, आप लोग इस VST को यूज करिए और वोकल बहुत अच्छे से मिक्स करिए और वोकल कटिंग लगाइए। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को बता देते हैं, इतना सब मिक्स करने के बाद में आप लोग जाइएगा कीवर्ड में F3 दबाइएगा तो आपका मास्टर पैनल खुल जाएगा। जब मास्टर पैनल खुल जाएगा तो देखिए ये मेन आउटपुट है, ये मेन स्टीरियो आउट है जो वोकल और म्यूजिक ये सारा चीज़ का ये मेन स्टीरियो आउट है, ये मेन आउटपुट है। तो इसको ई पैनल को खोलिएगा और ई पैनल खोलने के बाद देखिए आप लोग मास्टरिंग भी आप लोग को करने के लिए बता देते हैं। अब मास्टरिंग में कुछ नहीं करना है, मास्टरिंग में आप लोग सीधे जाइएगा और J7 स्टीरियो आप लोग ले लीजिएगा। और इसमें लेने के बाद फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट आप लोग ले लीजिएगा। और फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट लेने के बाद इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जो देख रहे हैं ना लेवल गेन, ये दोनों इन आउट अटैच होता है, ये मेन अटैच होता है तो ये दोनों अटैच है। तो इसको जब आप नीचे करिएगा तो देखिए ये दोनों बढ़ेगा, ये दोनों अटैच है, ये दोनों अटैच है। इसको क्लिक को हटा दीजिएगा तो ये अटैच नहीं है, देखिए सिर्फ ये वाला होगा, सिर्फ ये वाला होगा। तो इसको अटैच रहने देना है, इसको अटैच रहने देना है। और -14 से 15 dB के आसपास में ले जाकर छोड़ देना है। ये -15 dB हमने लेकर छोड़ दिया, दे आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसके बाद इसके बिना आप लोग पहले वोकल को सुनिए। मास्टरिंग पैनल एक और लगाए हैं उसको भी बंद कर देते हैं, अब पहले इसको वोकल को सुनिए। तो देखिए ये अभी बंद है, अब इसको चालू करते हैं, अब सुनिए। मतलब म्यूजिक और वोकल को दोनों को एक लेवल में ये लाता है और सॉफ्ट बनाता है और इसका क्लियरिटी बढ़ाता है और लेवल को हाई करता है, वोकल लेवल को हाई करता है, मिक्स लेवल को, ऑल मिक्स लेवल को। मास्टरिंग पैनल में जो भी इफेक्ट लगाइएगा आपका ये जो भी मिक्स किए हैं ये टोटल में काम करता है, चाहे आपका स्टेरियो मोनो हो या मोनो हो, ये सब में काम करता है, सब में बराबर काम करता है। इसीलिए मास्टरिंग पैनल को मास्टरिंग पैनल में ही मास्टरिंग किया जाता है। फिर उसके बाद में एक UR22 लगाए हैं जो आप लोग देख सकते हैं, QBS 5 के साथ, Nindo 4 के साथ में ही जो आता है उसको हम लगाए हैं। इसमें कोई प्रीसेट नहीं है, प्रीसेट इसका कोई प्रीसेट रहता भी नहीं है। UV22 इसे लगाने से देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग को सुना कर बजा कर दिखाते हैं। किसना हो रे, किसना, किसना, किसना हो रे, हो रे।
तो ये भी प्रभाव डालता है, थोड़ा सा ही डालता है, ज़्यादा डालना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा डालने पर वोकल और ट्रैक आपका ख़राब भी हो सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ 24 पर कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक इसको खोलिएगा तो ये 20 पर रहेगा और ये लो पर रहेगा। तो आप लोग 24 पर कर लीजिएगा और ये हाई पर कर लीजिएगा। डेथर लेवल, आउटपुट बीट्स, तो आउटपुट बीट्स 24 बीट में बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए 24 पर रखे हैं और इस हाई को लो को हाई पर रखे हैं कि ये मतलब जल्द से जल्द अटैक करें। तो चलिए आप लोग को मास्टरिंग भी करना सिखा दिए, और ये मास्टरिंग लेवल को अगर थोड़ा सा कम है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसको वोकल को हम कम रखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्लिपिंग आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं जो आउटपुट है ना, इसमें क्लिपिंग। तो देखिए क्लिपिंग के चक्कर में रहेंगे तो वोकल को हम उठा ही नहीं सकते हैं। ढेर लोग बोलते हैं कि क्लिपिंग आ जाता है, रेड क्लिपिंग आ जाता है तो अच्छा नहीं होता है। तो क्लिपिंग के चक्कर में आप लोग नहीं रहिए, क्लिपिंग अगर आता भी है और वोकल अच्छा है, अच्छा फट नहीं रहा है, बढ़िया बज रहा है, तो क्लिपिंग से हमको ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों रहेगा। तो क्लिपिंग पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, क्लिपिंग का भी आप लोग का कन्फ्यूजन दूर कर दिए, और ये ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाना है, बस थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ज़्यादा नहीं। देखिए इतना पर क्लिपिंग आ गया, अब इसको हम इतना पर रखेंगे तो क्लिपिंग नहीं आएगा। तो क्लिपिंग नहीं आएगा, हम मानते हैं क्लिपिंग नहीं आएगा। तो इस गाना को जब एक्सपोर्ट करेंगे, जब मोबाइल में लेंगे तो आवाज़ बैठा बैठा सा लगेगा। तो इसलिए क्लिपिंग पर उतना ध्यान नहीं देना है, वोकल अच्छा बनने से मतलब रहता है। अब थोड़ा सा भी लेवल इसको हम बढ़ाएंगे तो क्लिपिंग आएगा ही, अब इतना कम रखेंगे तो अच्छा लगेगा भी। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप लोग बढ़ा कर रखिएगा। आप लोग को मास्टरिंग करना भी सिखा दिए, तो चलिए इसी तरह आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, वॉच करते रहें और कुछ सीखते रहें। और हर एक वीडियो में अलग अलग VST के बारे में बताएंगे। एक और वीडियो, फुल वीडियो बनाए थे जो मिक्सिंग मास्टरिंग टोटल चीज़ का था, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये एक वीडियो बनाए, इसमें भी फुल मिक्सिंग मास्टरिंग किए। तो ये दोनों वीडियो आप लोग को देख लेने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आप लोग सीख जाइएगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो में वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर वीडियो को ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।